फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिंदु बाला आइडियाज़। फ्रेंड कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स अभी है इवनिंग टाइम, शाम का टाइम है, अभी 6 बजे हैं और ये देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं फ्रेंड दूध लेने के लिए, बेटा है साथ में और ये देखिए ऊपर से जा रही है ट्रेन, क्योंकि यहाँ से जाती हैं ट्रेन की पटरियाँ और यहीं से ट्रेन जाती है। तो यहाँ से दो रास्ते बनाए, एक तो नीचे से यहाँ से जहाँ से हम जा रहे हैं अभी, ये रास्ता एक ट्रेन को की पटरी क्रॉस करके नीचे आने का रास्ता है, तो वो थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। और अब दूध लेके वापस जाएंगे तो काफ़ी अंधेरा हो जाएगा और फिर वहाँ मतलब यहाँ से नहीं जाएंगे, फिर ऊपर से ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से घास में से ऐसे लगता है कि कुछ कीड़ा या स्नैक वगैरह कुछ ना आ जाए। ये देखिए ऊपर से फ्लाइट जा रही है, तो बेटे ने ऐसी थोड़ी क्लिप ले ली थी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इन्होंने कितने अपने भैंसे बांध रखे हैं पूरे, और ये तो अभी इनकी भैंस कम आई है, अभी जैसे जैसे थोड़ा सा अंधेरा होता जाएगा वैसे वैसे इनकी भैंस बाहर घूमने के लिए मतलब खाना खाने के लिए गई हुई है, तो वो वापस आ जाएंगी। और इनके पास काफ़ी सारी भैंस हैं, पूरा भीड़ लग जाती है इनके पास, मतलब ऐसे खुले एरिया में इन्होंने बांध के रखी हुई है, वो इनको खोल देते हैं और शाम को फिर वो खाना खा के वापस आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अभी ले लिया है दूध, और ये देखिए मैं अंधेरा हो गया, जब आए थे उस टाइम में सब दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी बैठे बैठे अंधेरा हो गया, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं तो सबका नंबर बारी बारी आता है। तो मैं बोतल लेके आती हूँ, मैंने अपना बोतल में ये कीप से भर लिया और अभी हम लोग निकल जाएंगे। अंधेरा काफ़ी हो चुका है, देखिए अभी चल पड़े हैं वापस और अभी जाएंगे ट्रेन की पटरी क्रॉस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये है अभी नेक्स्ट डे सुबह का, तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी सुबह सुबह मैं उठी थी 5:30 बजे, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी सब्जी लेने के लिए, क्योंकि सब्जी मंडी लगती है यहाँ पे, सुबह सुबह 5:30 स्टार्ट हो जाती है। तो मैं 6 o'clock निकल गई थी, झाड़ू वाड़ू करके अपना रूटीन करके, और 6 o'clock घर से निकल गई थी, और अभी आई हूँ मैं 7 बजे वापस, क्योंकि बेटा स्कूल जाएगा तो उसका टिफ़िन बनाना था मुझे। और ये देखिए सब्जी लेके आ गई और बेटा स्कूल के लिए, तब तक फ्रेंड्स अभी बेटा चला जाएगा स्कूल, और मैंने आके इसका टिफ़िन पैक कर दिया था, और इसने अपना कॉर्न आज इसने चोकोज खाए दूध में मिक्स करके, तो अभी ये स्कूल के लिए निकल गया, और मैं इसको बाय करने के बाद फिर मेरा काम स्टार्ट करूँगी। तो वैसे तो इसका स्कूल नज़दीक है, बट ये साइकिल लेके जाता है, तो अभी अपनी साइकिल लेके और स्कूल चला जाएगा, और फिर वही सुबह के जो काम, सुबह सुबह तो बहुत काम फैलता है, तो वही काम स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर बस ये लगा लो कि एक 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 से 1.5 घंटा आराम से जल्दी जल्दी करेंगे, तब जाके काम बनेगा। तो पूरा फैला हुआ है, बस मैं झाड़ू लगा के ही निकली थी, तो अभी बस सारा काम करना है। अभी मैं अपनी ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि मैं ब्रश करके नहीं निकली थी, क्यों अगर ब्रश वगैरह करने लग जाती तो फिर मैं सब्ज़ी के लिए लेट हो जाती, और उधर काफ़ी भीड़ हो जाती है फ्रेंड सब्ज़ी मार्केट में। और ये देखिए किचन कैसे फैला हुआ है, अभी इसको सिक्योर करूँगी सबसे पहले, बाकी काम बाद में। तो पोहा बनाया था तो बेटा ले गया, और ये अभी बड़े वाला बेटा तो कम खाता है तो इसको अच्छा नहीं लगता, तो मेरा फास्ट है, और बस यही है कि अभी काम को सिक्योर कर दूंगी, सबसे पहले किचन से ही स्टार्ट करूंगी, क्योंकि किचन का मेन है। अभी जो सामान फ्रिज में रखने का वो रख दूंगी, बर्तन एक्स्ट्रा है साफ़ करने के वो कर दूंगी, और उसके बाद फिर लगाएंगे फ्रेंड पोछा। तो अभी जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ।
किचन हो गया सिक्योर, किचन का मेन रहता है, छोटे छोटे बारीक बारीक काम किचन में ज़्यादा रहते हैं, तो उसका होने के बाद तो बाकी टाइम नहीं लगता, क्योंकि मेन ये है कि सुबह का खाना बन जाए नाश्ता टाइम पे और सिक्योर हो जाए, तो उसके बाद तो फिर फैला हुआ काम तो जल्दी सिक्योर हो जाता है। अभी ये देखिए कपड़े जो इधर से उधर थे मैंने सारे जगह पर लगा दिए हैं और बेडशीट वगैरह सब ठीक कर दिए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने शूज़ और सैंडल मैंने वॉश किए थे तो ये सूख गए हैं, अभी इनको मैं जगह पर लगा दूँगी, शू रैक में रख दूँगी, बाहर ले जाके बालकनी में सुखाए थे, धूप अच्छी आती है तो यहीं पे सुखा दिए थे। और बाहर का शू रैक भी जो फैला हुआ था वो भी मैंने ठीक कर दिया। और अभी बस क्लीनिंग का काम हो ही रहा है, तब से पहले किचन और उसके बाद फिर बाकी काम, तो वही है। और ये दूसरा शू रैक है ये भी मैंने ठीक कर दिया, यहाँ पे जो भी इसके ऊपर डस्ट थी वो सारी ठीक कर दी। और ये अभी अंदर गेस्ट रूम, यहाँ पे बच्चे बैठ के टीवी देखते हैं बैठ के लेट के, तो अभी ये भी थोड़ा फैला हुआ था तो इसको भी मैंने ठीक कर दिया, बेडशीट को ठीक कर दिया। तो ये अभी पूरे दिन ऐसी की ऐसी रहेगी, क्योंकि अभी ये लगा लो बेटा दोपहर में आएगा, दूसरा बड़े वाला बेटा है वो अपना उठेगा, अपना खाना पीना करके स्टडी करने बैठ जाएगा, तो वो इतना कोई फैलाने वाला नहीं है। हाँ इवनिंग टाइम में थोड़ा सा बस बैठते हैं टीवी देखने के लिए तो उसी टाइम में थोड़ा फैलता है। और अभी लगा लूँगी फ्रेंड में पोछा, सारा हो चुका है सब, डस्टिंग वगैरह सब, थोड़ी डस्टिंग ये रहती है कि थोड़ी बहुत बारीक होती है वो, फिर पोछा लगने के बाद हो जाती है, और जो मोटी मोटी हो गई है। और अभी सारा काम होने के बाद ये देखिए बाथरूम साफ़ करने का काम बचा है, तो ये वॉश बेसिन एरिया है ये मैं साफ़ कर ले रही हूँ, और उसके बाद फिर बाथरूम नहाते टाइम फिर बाथरूम को साफ़ कर दूँगी। लेकिन पहले फिर क्या सोचा कि चलो सब्ज़ी जो लेके आई थी उसको वॉश करके रख देती हूँ ताकि वो ड्राई हो जाएगी अच्छे से, उसको ड्राई होने में टाइम लगेगा, तो मैंने सारी सब्ज़ी रख ली और अभी मैं वॉश करके और सब सारी सब्ज़ी को सुखा दूँगी, इसको ड्राई होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब अच्छे से सूखेगी तभी मैं इसको फ्रिज में लगाऊंगी, उसके बाद फिर आराम से स्टोर रहेगी, 1 वीक तक फ्री रहूँगी, 1 वीक कई इकट्ठी लेके आती हूँ तो फिर उसके बाद फ्री हो जाती हूँ, जिस दिन लाती हूँ उस दिन थोड़ा काम फैलता है, क्योंकि लाना फिर उसको धो के रखना फिर उसको फ्रीज में अच्छे से लगाना, तो बस यही है कि एक दिन लाओ और फिर आराम से 1 वीक तक आराम से फ्री रहो, उसके बाद काम कुछ ना कुछ निकलेंगे बट सब्ज़ी का काम से आप फ्री हो जाएंगे। अभी ये फिर मैंने उस पानी को क्या किया फ्रेंड, प्लांट में डाल दिया, क्योंकि सब्ज़ी धो प्लांट्स के लिए फ्रेंड अच्छा रहता है। और अभी देखिए फ्रेंड मैं नहा के आ गई हूँ, मैंने आके अपने बाल कंघी कर लिए हैं और अभी मैं आ गई हूँ अपने पूजा करने के लिए। और ये अभी मैंने पूजा के बर्तन साफ कर लिए हैं, अभी जोत पत्ती करूँगी और उसके बाद फिर फ्रेंड्स अभी जोत बत्ती करने के बाद बेटे को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया, और अभी मेरे को ध्यान आया कि बोतल पानी की ख़त्म हो गई थी और आटा भी ख़त्म था, तो आटा तो रख के आऊँगी गेहूँ लेके पीसने के लिए और पानी की बोतल को भर के लेके आऊँगी, तो फ्रेंड्स वही जा रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स अभी मैं लेके आ गई हूँ और वापस आ गई बोतल भर के लेके, और उसके बाद फिर आटे के लिए भी चक्की पे रख के आ गया गेहूँ मतलब पीसने के लिए, तो शाम के टाइम ले आऊँगी। और फिर ये देखिए उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी जो ड्राई हो गई उसको रखना स्टार्ट कर दिया, और बेटे का आने का टाइम हो गया, बेटा 2 बजे स्कूल से आता है तब तक वही सब काम चल रहे थे, और अभी बेटा आ गया स्कूल से वापस, या आके अपना टिफ़िन बोतल इसने किचन में रख दिया, और फिर उसके बाद ये अपने बस बेल्ट वगैरह निकाल के जगह पर लगा रहा था, और अपने कपड़े जहाँ पे आते ही मशीन में मतलब बाथरूम में रखने होते तो वहीं पर रखेगा, और बस सब ये इनको खाना देने के बाद और थोड़ी देर रेस्ट किया इन्होंने, और फिर उसके बाद हम आ गए नीचे, क्योंकि काफ़ी दिन से हमने स्कूटी साइकिल वगैरह धोई नहीं थी, तो इन्होंने अपनी साइकिल भी ले ली दोनों ने अपनी अपनी, और स्कूटी भी ले ली, और नीचे हम वॉश करने लग गए, यहाँ पे पानी नल है साइड में तो वहीं से पानी लिया और हम लोग इसको अच्छे से वॉश कर रहे हैं, और साथ में बारिश भी आ गई तो बच्चे मजाक कर रहे हैं कि इसको तो खड़ा कर दो बारिश में अपने आप धुल जाएगी, बट बारिश से तो नहीं धुलेगी, तो बस वही अच्छे से इसको गीला थोड़ा सा स्क्रबर जो बर्तन साफ़ करके वैसा हो जाता है, मतलब एकदम नरम हो जाता है मुलायम हो जाता है, उससे ही थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से साफ़ कर रहे हैं इसको। और उसके बाद फिर बस मैंने दोनों स्कूटी लगा दी जगह पे, बच्चों ने अपनी साइकिल भी जगह पे लगा दी, और फिर बोले कि चलो लगे हाथ गाड़ी को भी साफ़ कर देते हैं, इनका मन था तो मैं बोली चलो ठीक है साथ में मैं भी लग जाती हूँ, तो साथ में लगूंगी तो बच्चों का मन करेगा, नहीं तो ये भी बीच में ही छोड़ के साइड में खड़े हो जाएंगे, तो फिर मैं बोली चलो ठीक है, तो इन्होंने हटा दिया कवर और फिर हम सब मिलके अभी गाड़ी को साफ़ करेंगे।
फ्रेंड्स अभी नीचे से आने के बाद गाड़ी गाड़ी सब साफ़ करके आ गए, और अभी मेरे को बालकनी में थोड़ा काम था क्योंकि अभी दिवाली आ रही है तो बालकनी का भी मुझे मेकओवर करना है। आप लोगों के साथ में बालकनी की मेकओवर वीडियो शेयर करूँगी। और यहाँ पे मेरा ये था, मतलब जो मिट्टी के हैंगिंग आते हैं, लटकने जो आते हैं, वो था मेरे पास जो मैंने इधर लगा रखा था नेल पे। बट क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे हैंगिंग प्लांट ज़्यादा हो गए तो यहाँ जगह नहीं रही, तो मैंने सोचा चलो इसको कॉर्नर में शिफ्ट कर देती हूँ। और फिर ये ड्रम मैंने नीचे लगाया क्योंकि हाइट थी छत पे, ऐसे चेयर वगैरह पे तो नहीं आ जाता, तो ड्रम को दो ड्रम रखे थे, उसको एक को हटा के एक ड्रम पे खड़ी होके फिर ये छत पे नेल लगाना बहुत मुश्किल हो गया था, बट लग गया इजीली, पता नहीं कैसे लगा लेकिन लग गया। मैं बोली चलो अच्छा हो गया। ये काम फ्रेंड मेरा बगर ड्रिल मशीन के ही हो गया, ऐसे हाथ से ही लगाया, और बस एक बार ऐसे दो तीन जगह ट्राई किया लेकिन एक जगह ऐसे आराम से लग गया, तो मैं बोले चलो अच्छा हो गया, नहीं तो ड्रिल मशीन से मुझे होल करना पड़ता है यहाँ पे और वो करने में डिफ़िकल्टी हो जाती क्योंकि ऊपर की तरफ ऐसे मशीन चलाना हार रहता है। और ऐसे ही सेम अपोजिट साइड भी मैंने थोड़ा सा नेल लगा दिया क्योंकि अभी ड्रम मैंने रख रखा था, तो मैं बोले चलो दोनों साइड लगा देते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स ये सब काम हो गया था, और थोड़ा सा खाने की प्रिपरेशन करके शाम को हम चले गए बाहर दूध लेने जाते हैं, वही गए थे तो वहीं से निकल के थोड़ा बेटे को पानी पूरी खानी थी, तो मैं बोले चलो ठीक है, तो मेन रोड पे आ गए निकल के, तो यहाँ पे माता रानी को लेके जा रहे थे, तो कुछ पता नहीं कुछ इन लोगों का प्रोग्राम होगा शायद से, तो इसलिए करके फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो वहाँ का भी बना लिया और काफ़ी अच्छा लगा। म्यूजिक चल रहा था और सब लोग डांस कर रहे थे, और ये देखिए माता रानी सामने कितनी बड़ी, उन्होंने काफ़ी मतलब सजाई हुई मूर्ति ऐसे गाड़ी में रख रखी थी, और उसी के साथ साथ में म्यूजिक भी चल रहा था और सब लेडीज़ और जेंट्स सब डांस करते हुए निकल रहे थे। और फिर उसके बाद आते आते हम आगे की तरफ निकल गए, नज़दीक में ही एक मार्केट लगी हुई है ऐसे, मतलब रोड रोड पे टेंट लगा रखे हैं और उसी में मतलब मार्केट लगा रखी है उन्होंने, तो यहाँ पे देखिए कितने सारे में के कितने अच्छे अच्छे प्लांट लगा। चलो ठीक है वही ले लेती हूँ, काफ़ी कॉस्टली भी लगे, सेरेमिक जो प्लांटर थे वो अच्छे थे लेकिन मुझे थोड़ा कॉस्टली लगे तो इसलिए मैंने नहीं लिए। और अच्छे अच्छे थे, मतलब यहाँ पे बुक शॉप भी अलग से लगी हुई थी, और मतलब ये लगा कुर्ती वगैरह भी, ज्वेलरी वगैरह भी, काफ़ी सारा यहाँ पे सारा कलेक्शन एक साथ था, मतलब फुटवेयर वगैरह भी जो भी था काफ़ी अच्छा था, थोड़ी सी जगह में उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था। तो बस फ्रेंड्स यहाँ से घूमते घूमते हम आ गए घर पे, और घर पे आके फिर हमने खाना वाना। सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आप सभी को कैसा लगा? अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।